मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। आज सुबह की शुरुआत हमारी हो रही है अल्मोड़ा के चौकटिया से। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं आगे थानू का मेकअप करने के लिए। अब हम अभी तैयार है, चल रहे हैं। हमारे साथ हर्षित भैया, अब गाड़ी में सामान रखते हैं। तो गाइस और आज है हमारी शादी, आज है मतलब भानु की शादी है। भानुमती, तो भानुमती बता दो, शादी का सूट है और शादी के जो सूट है सूट में है शादी, तो आपको काफी मजा आने वाला है। चिंगी कुछ नहीं हो रही थी, सबसे मुँह तो बढ़िया हो रखा है मेरा, मुँह तक सब भानु का मेकअप होने वाला है और हम बस किसके वहाँ को चलते हैं, उसका भानु को लेने आते हैं। तो देखो शादी वाले लुक में कैसी लगती है हमारी भानु, बस हल्का सा हो मेकअप, ज़्यादा अपना अच्छा, अच्छा हल्का मेकअप, वो तो आप बताओ क्या कैसा होगा। अभी थोड़ा थोड़ा नींद भी हो रखा है और थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रही है, पहुंच चुके हैं हम जहाँ भानु का मेकअप होना है और बस इसका मेकअप करते हैं, सामान वामान भर देते हैं वहीं पे सामने। कंचन काया ब्यूटी पार्लर है हमारी दीदी का, दीदी जस्ट खोली रही है अभी, और हम पहुंच चुके हैं दीदी के यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग 6 बजे। अब दीदी का बस मेकअप करके निकलते हैं। भानु हमारी आपको मिलेगी आफ्टर मेकअप। तो गाइस हम चल रहे हैं भी देते हैं। ये ले हो गया, तो भाई चल रहे हैं टॉयलेट नीचे। इसको कुटिया की पुल हमारी और ये नीचे बह रही है रामगंगा नदी। तो गाइस अब चल रही है हमारी दूसरी चाय हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ, हमारे गोस्वामी जी के साथ। और ये वाली चाय तो बहुत अच्छी होती है यार, चाय बहुत मस्त है। तो गाइस अब चल रहे हैं हम आपका आगे। तो गाइस तैयार हो चुके हैं मैं और हमारे निखिल भैया, अब बस चल रहे हैं सूट में और मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं क्या होता है, क्या होता है देखते हैं आज कैसा रहता है आपका सूट पूरा दिखाते हैं ब्लॉग में, बने रहो आगे क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं शूट एक शादी वाला सॉन्ग है, तो पूरा दिखेंगे आपको। हम लोग गाँव में जा रहे हैं, यहाँ पे शूट हो रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है, फुल मज़ा आने वाला है। और जो चैनल में नए हो भैया सब्सक्राइब करो फटाफट अपने भाई को। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम, भानु का मेकअप हो चुका है, हमारी दीदी ने भानु का मेकअप कर रखा। दीदी क्या नाम है आपका? लता जोशी। दीदी ने मेकअप कर रखा है भानु का, देखो कैसी लग रही है बताना। वापस चल रहे हैं सूट के लिए, हल्की हल्की तेरी आंखों को लगा रखा क्या आंखों के अंदर की, वही कहा मैंने कहा आंखों के अंदर भी लगा रखा, मैंने कहा आंखें बदल दी अभी अभी आने हैं। देखा आपने आंखें दिखा, अजय सर लोग आ गए, अजय सर लोग अभी कोई नहीं। तो गाइस पूरा हो चुका है इनका पार्लर का मेकअप और अब बस चलने की तैयारी, ये चल रहा है इनका फोटो शूट। उसी के साथ एडिट करना है, थोड़ा सा बात करना, उसी के साथ एडिट करना है, थोड़ा ही बोलूंगा उसी के साथ ही, एक बार उससे बोल दूंगा। हेलो दोस्तों नमस्ते, तो गाइस चल रहे हैं हम कितने वीडियो बनाने के लिए। सो गाइज हम लोग हैं अभी चौकुटिया की बाजार में और बहुत भयंकर बारिश हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अभी शूट को। देखो आगे कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम फिर भी गाड़ी चला रहे हैं फिर भी चला रहे हैं। दीपक भैया बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, दीपक भैया चला रहे हैं गाड़ी और हमारे भानुमती भी तैयार होकर आ चुकी है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, बताओ गाइज कॉमेंट में कैसी लग रही है, ठीक है कैसी लग रही है। फिलहाल चलते हैं जहाँ पे हमारा सेट लगा हुआ है, रुको हाँ दोबारा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग हैं चकुटिया की मार्केट में और भयंकर बारिश हो चुकी है और हमारे दीपक भाई चला रहे हैं गाड़ी, ये देखो इतना रिस्क लेके, देखो आगे कुछ दिख नहीं रहा गाइस, तब भी गाड़ी चल रही है,
ऊपर को नीचे को नीचे को तैयार हो चुकी है एकदम मस्त लग रही है लहंगा में चमक रही है। क्या करें अभी जो हमारे दूल्हे हैं वो आई नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं आए अभी अरे भयंकर गाइस हमारे जो हीरो साहब है वो पहुँचे नहीं अभी। देखो आज बारिश भी हो रही है दूल्हे भी नहीं पहुँचे अभी। मतलब हीरो आज के जो सॉन्ग हमारे हीरो है बारिश वैसे तभी होती है भैया जब जैसे जब दुल्हन जैसे हमारे पहाड़ में जब दुल्हन पनिया चाटने वाली होती है ये देखो तो बारिश होती है चाटे दिले दिले में तो देखा भी इसको उसमें खाते हुए किसमें पंजाब चाटते हुए और भदेले में खाते हुए तो उसी का नतीजा देखो बारिश। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लोग जहाँ पे हमारे आज सेट लगा हुआ है शादी वाला जो भी तो बाद में मिलते हैं अभी हमारे अभी हमारे तक अभी तक हमारे कैमरामैन थे हमारे वो क्या कहते हैं मतलब जो आपका कोरियोग्राफर था हमारे गुलाबी शरारा के हमारे अंकित भैया अभी तक हमारी वीडियोग्राफी वही कर रहे थे और अब हम पकड़ा है हमने 2 मिनट के लिए अपना कैमरा आगे लेकिन भयंकर हो रहा था गाइस तो गाइस पूरी बारिश हो रही है बाहर से और हम अपनी लोकेशन पर तो पहुँच गए हैं लेकिन ऊपर जाने का नहीं हो पा रहा है अभी बड़ा भयंकर बारिश हो रही है। अरे सर लोग हमारे लिए चाय लेके आए हैं बढ़िया अब मैं हो गया भैया हो गए हमारे भाई बहन सभी जने मिलके चाय पी रहे हैं काफी अच्छा चाय नहीं नहीं बस ले ली सर हमने ले ली है भावना ले ली हो गया सर थैंक यू सर पहुंच चुके हैं अपनी सूट की लोकेशन पे और हमारी भावना जा रही है आगे से और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब हमारे गोस्वामी जी वो भी लगे हैं रस्ते छाता पकड़नी पड़ेगी सब इतनी चीज़ें पकड़नी पड़ रही है देखो तो गाइस चल रहे हैं हम तो धीरे धीरे पहुंच गए हैं अपने हाँ बारिश ज़्यादा ही हो गई है पहुंच भी गए हैं अपने लोकेशन पे अरे डी ओ पी सर भी पहुँच चुके हैं आज डी ओ पी सर से हमारी दूसरे में लगा था सर बढ़िया है पूजा की थाली का हमारी है पूजा की थाली आ रही है सर अभी पूजा लेके आ रही है पूजा लेके आ रही है पूजा की थाली आपके लिए सब तैयारी पूरी हो रही है हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारे जो दूल्हे राजा हैं हमारे हीरो भैया लगे हैं अब हो रही है तैयारी शादी होने वाला है और हमारे डी ओ पी साहब लग गए हैं अपना फिट करने के लिए मैं चल रहा है सूट इनका तो गाइस हमारे सभी ग्रुप वाले बच्चे आ चुके हैं तो सब बच्चे बढ़िया सब एक साथ कर रहे हैं तो अभी पहले इनका भी चल रहा है तैयारी जिसके बाद थोड़ा इनको डांस वांस सिखाते हैं फिर उसके बाद अपना सूट स्टार्ट करते हैं सब भैया लोग तैयार होने लग गए हैं अब इसके आप सूट की तैयारी है ही बस सूट करते हैं सीधे तो घोड़ा भी आ चुका है दादी घोड़े आ रहे भैया मौका मिलेगा इसमें बैठने का मतलब वैसे थोड़ा ना वैसे तो बैठ ही जाएंगे वैसे कर रहा हूँ जो असली में मौका मिलता है ना जाने कब मिलेगा मौका घोड़ी में बैठने का गाइस बारिश फिर से तेज हो गई है बहुत तेज बारिश हो गई देखो शादी से पहले ही दूल्हा दुल्हन मिल चुके हैं इसके बाद आएगी फिर शादी के लिए ऑल द बेस्ट पहले दूल्हा आके ऑल द बेस्ट करके जा रहा है ऐसा अभी नहीं है तो तभी अंदर है हाँ, वो जा रहे हैं आप अंदर को इनका सीट हो चुका है पूरा और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और अब बराती जा रहे हैं नीचे को वहाँ से बरात आएगी ऊपर को और हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे घराती लोग खड़े हैं और बरात आ रही है नीचे से वाला सीन है ये सीन देखते हैं कैसा होता है ये देखो बरात जा रही है सामने से और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बरात का
ओ जिया जी पैसे दो गो फटाफट दो इनकी जिया जी पैसे जाओ। अरे चेक काट के दे दो लिख लेना। जब इसके अगली शादी होगी तब दे देंगे पक्का। अगली बार जब शादी होगी तब पक्का देंगे। गाइस चल रहा है शूटिंग का प्रोग्राम और हम भी क्या हो रहा है बस किधर को भैया आईना शॉट कर रहे हैं सारो आप भी चलो से जैसे ओके तो हमारे सर के प्रश्न मेकअप आर्टिस्ट है। अरे हमारा ऐसा लगा तो चाहिए मुझे और ऐसी चीज यार। एक हमारा धीरू भाई है वो गोरे को काला करता काले को गोरे। चलो धीरू भाई देख लो गोरे को काला मत करना अगली बार से तुम आना ही पड़ेगा। सर सर मैं कह रहा हूँ धीरू भाई से धीरू भाई सुन लो गोरे को काला मत करना। भाई की दिहाड़ी होती है 200 रुपए ठीक है 250 रुपए का पाव अभी जाते 50 को उसको जाता है। अरे पता ही नहीं होता बहुत मुसीबत में बेचारे। वो मेन वो आगी ना बस उसमें क्या कहते हैं उसका नाम नीचे प्लेट आगी ना लिपस्टिक बचाने का तरीका वो दिखाया था मैं। तो गाइस इससे चुपचाप थी तो यहाँ पर रोटी और ये भात। अच्छा गुड अकेले अकेले हमारी लेके आ रही है दीदी जिन्होंने मैगी खिलाई थी खानों को और हमको भी पहले खिला दे रही है क्योंकि हम ज़्यादा चटनी और रोटी क्योंकि मेरे को दाल अच्छी नहीं लग रही है दाल अच्छी नहीं लगती ना दीदी। तो गाइस खाना हो चुका है करके चावल दाल और बस अब चलिए यहाँ पे छुट्टी की तैयारी देखो डांस वांस चल रहा है। तो गाइस नया तिल बनाया है आज भानू के मुंह में नया तिल आया आज तिल दिखा दो अपना आज अभी ये सूट के लिए नया तिल बना रखा है आज स्पेशल। तिल भी नजर आएगा इनका भी है ना आपको तो है ना इस सूट में इनका भी तिल नजर आएगा पक्का आपको। ओ सर है ना कुछ भी है तब तक सर मत करो थक गए यार थोड़ी देर हो गया तुझे से कैमरा मैन भी तो होते हैं बीच में यार बस बड़ी जो दांत वाली स्टाइल है ऐसे वाली अंगूठे वाली इसने तो आपने खेल ही कर दी है कसम से। पानी तो गाइस इतना वाला एक थोड़ा सा मतलब जो लहंगा वाला था ज्यादातर वो शॉर्ट पूरे हो चुके हैं अब साड़ी और बाकी सूट हैं वो भी अभी होंगे अभी थोड़ा सा आप यहाँ से आला सूट करके थोड़ा सा नीचे को जाते हैं ये नीचे की साइड में यहाँ जाना है अभी हमने तो अब चल रहे थोड़ा सा गाड़ी तक वो बैग है गाड़ी में वो बैग लेके आते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं अपनी सूट की दूसरी लोकेशन पे और यहाँ से भी नीचे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखो नीचे पूरी रामगंगा बह रही है और ऊपर आना है ये देखो ये भाई हंसी मखड़ी देखो हंसी मखड़ी आप देख सकते हैं सामने नीचे का खूबसूरत नजारा कितना प्यारा लग रहा है खूबसूरत नजारा है तो क्या क्या चीज़ मतलब भानु यार लुक चेंज करते हैं तेरे को आराम से नेल पेंट रिमूवर है ना तो अभी मैंने कोई बात नहीं ये चप्पल को अंदर डाल दो भानु। तो गाइस अंधेरा हो चुका है और आज अब सूट यहाँ पर से आज का पैकअप हो चुका है अब कल को होगा सूट तो अब चल रहे हैं नीचे को कल सुबह मिलते हैं फिर सभी बच्चों से अब। तो गाइस चल रहे हैं अब चौकटिया की ओर को वहां से देखते हैं कहां पे जाते हैं और लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है पीछे वो से भी उससे पहचान सकते हैं जान सकते हो और एक मिनट आगे भी जाता है ये अंदर की गर्मी नहीं है इसके बाहर की गर्मी हाँ बाहर की है ऐसा हो सकता है हाँ है क्या करना है। तो गाइस अब चल रहा है गोलगप्पे देख लो
हाँ अंकल, अंकल यार इस सीट में बैठ सकते हैं? अरे क्यों नहीं यार, आप खा रहे हैं हम गोल गप्पे अंकल जी के हाथ के। कल अंकल जी ने टप दिया था तब बात कर रहा हूँ अंकल जी के हाथ के। बर्गर आ चुके हैं हमारे भैया के लिए, भानों के लिए और मेरे लिए और एक भैया और आ जाएगा, और आ जाएगा अभी तो कैसा होगा पता नहीं। भैया है पिज्जा पॉइंट वाले हमारे भैया, भैया के हाथ का बर्गर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा हो रहा है। तो इसके बाद आप लोग भी आना भारी से भारी मात्रा में भैया का बर्गर खाने, कैसा बना रहे भैया बताएंगे। भैया उठाइए भैया बर्गर। हाँ हाँ खाली देखना है इसको। अरे बेटा अब चल रहे हैं यहाँ से दोराहाट तक। दोराहाट में आज हम डिनर दोराहाट में करेंगे, तो चल रहे हैं मैं सभी तो हमारी पूरी टीम चल रही है। क्या कर रहे हो? तो गाइस पहुँच चुके हैं हम दोराहाट, मैं और हमारे हमसे भैया। अब आज का हमारा रात्रि खाने की व्यवस्था यही है, अब तो यहीं पर खाना खा के फिर चलते हैं वापस हम। तो गाइस अभी हम आए हैं दोराहाट में विकास भाई के कैफे में, तो अभी हमारा चल रहा है प्ले स्टेशन और भैया हमको सिखा रहे हैं अभी गेम खेलना। कौन सा गेम है ये? GTA Vice City, मतलब हमने बचपन में खेला था और अभी इसका काफ़ी अलग वर्जन आ गया है। अब अच्छे देखो भैया की ड्राइविंग चलेगा। भानु और मेरा गेम टेकर, ओके ड्राइवर को भैया चलाएंगे। अब चलेगा हमारा गेम, मैं भी चलाऊंगी इसके बाद गाड़ी। असली में मत होना बेटा, कभी तो ऐसे लोग उसको बहुत अच्छा लगती है। अब आ चुकी है चाय, कोई बात नहीं हम लेट हो चुके हैं, हम गेम में व्यस्त थे और अब हम चाय पीते हैं पहले, उसके बाद गेम खेलते रहेंगे। सर आप क्या आ रहे हैं गेम खेलने? चाय पीते पीते गेम के मजे। भानु ड्राइविंग और टेकन सब चलता है हमारी भानु का भाई। अभी चल रहा है हमारा सब जनों का, हमारे हीरो, हमारे कोरियोग्राफर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कैमरामैन साहब। हम आए हैं अभी जेरी कैफे दोराहाट में, हमारे भैया हमारे यादव जी हमारे सामने भैया। हमारे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दोराहाट चेरी कैफे में, मैं कई बार इस रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और कई बार मैं यहाँ की तारीफ करता हूँ। और आज हमारा सूट था चकोलिया में, मेरे साथ उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध और फेमस एक्टर भावना कांडवाल जी मेरे साथ हैं और हमारे उत्तराखंड के मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। मशहूर एक्टर भाई सोलंकी जी हमारे बीच में, एक बार मैं चाहूंगा कैमरा से कि वहाँ पे। हेलो सर। साथ में है अंकित जी, बेहतरीन फोटोग्राफर, और मैं फिर थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि हमारे साथ हैं भाई पंकज कंडारी कैमरामैन बेहतरीन महेंद्र विक्रम भाई जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं गोविंद मिस्ट्री जी हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई प्रकाश रावत जी मेरे साथ हैं। और कैसा लग रहा है ये आप चाय? सबसे बेहतरीन चाय, हमने सबसे पहले चाय पी है, अब बहुत ही जबरदस्त चाय है और अभी खा रहे हैं, हर चीज बहुत टेस्टी है। अरे यहाँ गेम्स भी है, ये भी गेम्स खेल गए। हाँ हाँ अभी दिखाया है, यहाँ गेम्स बहुत अच्छी।
तो पहले हम भी टेस्ट करके बताते हैं कैसा हो रहा है। तो अब चल रहा है खाना, स्टार्ट हो गया खाना हमारा। हमारे जेरी भैया हमारे लिए खाना बनाने लग गए हैं। वेलकम सर। तो गाइस चल रहा है खाना बढ़िया तरीके से। खाना ना खाते हैं उसका बता दें कैसा खाना। तो गाइस सब भैया लोग सब खाना खाने लग गए हैं और हमारे लिए बस तैयारी के लिए खाना खाने के। अब खाना खाते हैं, स्टार्ट खाते हैं। तो गाइस हो चुका है हमारा खाना, काफ़ी मस्त खाना हो रहा था। और आप भी आ सकते हैं हमारे कैफे में, कुल मिला के मजा आ गया ना सर। कैसा और तुम्हारा खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा था खाना भैया, मस्त एकदम। आप लोग भी आओ, जस्ट यहाँ पर आने के गौचर है इंजीनियरिंग कॉलेज दोराहाट। हम इधर को आते रहते हैं। हाँ और हम आते रहेंगे। अब इसके बाद जब अमित आएगा हमारे साथ उसको काफ़ी और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब उसको गेम खेलने का भी और यहाँ उसको गेम भी मिल जाएगा दोराहाट में आके। हाँ आइए जरूर और टेस्ट कीजिए एक बार खाने को। और बच्चों के साथ आइए, बच्चों के लिए गेम ये देखो सामने पूरा प्ले स्टेशन चल रहा है। प्ले स्टेशन अभी इन्होंने भैया ने फोर रखा हुआ है। अब जल्दी आप लोग आते हो फटाफट, फाइव भी आ जाएगा जल्दी। एक दो तीन चार, तो आइए जेरी कैफे में दोराहाट में। थैंक यू। तो गाइस खाना ना हो गया है, बस अब चलने की तैयारी। बाकी सब जेरी बाहर से इंतजार कर रहे हैं और हम बस चल रहे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य पे। कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके भाई।